भारत का सामर्थ्य इतना है, इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ देशवासी है। हिंदुस्तान ने जितने जवान आजादी के बाद युद्ध में गंवाए हैं, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोलियों से गंवाए हैं, माओवादियों की गोलियों से गंवाए हैं, विघटनकारी शक्तियों से गंवाए हैं। यूनाइटेड नेशन, उसका जन्म हुआ दुनिया को विश्व युद्ध से बचाने के लिए। तीसरा विश्व युद्ध की नौबत ना आए, इसलिए यूएनओ अपना जिम्मा निभाने की कोशिश कर रहा है। उनको लगता भी होगा कि इतने साल हो गए, तीसरे विश्व युद्ध की नौबत नहीं आई। लेकिन मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, यूनो को गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब युद्ध ने अपना रूप बदल दिया है, युद्ध ने अपने रंग बदल दिए हैं, युद्ध ने अपने तौर तरीके बदल दिए हैं। और इसके कारण प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जितने देश, जितनी जनसंख्या युद्ध के कारण परेशान थी, उससे ज्यादा देश, ज्यादा जनसंख्या प्रॉक्सी वॉर से परेशान है, छद्म युद्ध से परेशान है। और उस युद्ध का नाम है आतंकवाद, उस युद्ध का नाम है माओवाद। और इसलिए समय की मांग है कि पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ एक जनमत तैयार होना चाहिए।